a brief about the background of this fund itself, so that we know the context on why we are launching. It's basically the why of this fund, and then we can always go ahead and discuss about the how and what of the fund thing. So when we were thinking about this one, this fund itself, to tell you this, that if we follow this in our investment philosophy, I would say that we do it, and we do it, and that's the reason why we had sectoral funds, so that people, depending upon the outlook of the economy and understanding which sector may do well and which sector may not do well in the respective phase of the economic cycle, people can move between the sectors. So we had launched sectoral funds way back in 2015 itself, and we had at one go launched five NFOs, five sectoral funds. Once, nobody had done it in the history. We had done one shot, all same time, same period, five NFOs. So five sectoral NFOs all at once we had done. And we had this objective in mind that sectoral rotation strategy does make a lot of sense, especially when it is combined with economic outlook, which cycle we are in, and basis that, because it has been empirically proved and it is beyond doubt that certain sectors always perform well in a particular phase, while they do not perform or underperform the market in a particular phase of the economy. So generally, this cycle-based investment thing was always there in our, I would say, investment philosophy. We always believed in it. And accordingly, we also looked at our sectoral allocation economy. Now, the key thing that we also thought about of late was that while the sectoral allocation, ये जो दिस बिजनेस साइकिल फंड थिंग ओनली, तो ये जो हम बिजनेस साइकिल फंड के बारे में सोच रहे थे इस वक्त में, तो हमारी सोच यही थी. द थिंग दैट वी आल्सो थॉट वाज कि अगर सेक्टोरल रोटेशन बेस्ड हमारा जो फंड है, हम लोग तो फंड लॉन्च कर चुके हैं, सेक्टोरल फंड्स कर चुके हैं, इन्वेस्टर्स आर फ्री, वो लोग सेक्टर रोटेशन स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं. पर वो एक चीज डिसएडवांटेज हो जाएंगे दो चीजों के लिए. एक साइकिल आइडेंटिफाई करना कि वो हम किस इकोनॉमिक साइकिल के किस फेज में है, और उस साइकिल का जो चेंज और जो प्रेडिक्टेबिलिटी है वो कितना चेंज हो जाता है. सो इस चीज के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है कि इन्वेस्टर को लर्न होना, यानी कि इन्वेस्टर को मार्केट का एक्सपीरियंस होना, इकोनॉमिक ज्ञान होना बहुत जरूरी है. इफ दे कैन मेक सेंस ऑफ वर्ड इकोनॉमिक नंबर्स आर कमिंग आउट, तो जो इंडिकेटर्स होते हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं, प्रोडक्शन हो या इन्फ्लेशन हो या जीडीपी ग्रोथ रेट है, ये सारी जो इंडिकेटर्स है, इनसे क्या हमें पता चलता है कि हम किस फेज में है इकोनॉमिक के, और कुछ स्टेप्स जो लिए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से या सेंट्रल बैंक की तरफ से या इंटरनेशनली भी कुछ डेवलपमेंट होती है, तो उसका क्या असर हमारे इकोनॉमिक साइकिल पे पड़ेगा, इसका भी एक ज्ञान होना चाहिए. दूसरा चीज, ये ज्ञान होने के बावजूद अगर सेक्टोरल एलोकेशन सही भी कर लिए, तो भी सेक्टर और एक्टिव सेक्टर रोटेशन स्ट्रेटेजी करने में टैक्सेशन का प्रॉब्लम आ जाता है. यानी कि आप एक सेक्टर से या एक फंड, सेक्टर बेस्ड फंड से दूसरे सेक्टर बेस्ड फंड में मूव करते हैं, तो आपको टैक्स लग जाता है, तो आपका ये जो कॉस्ट है ये बढ़ जाता है. टू हैव अ सेक्टर बेस्ड रोटेशन स्ट्रेटजी एक्टिवली फॉलोड, तो इस बेसिस में हमने ये बात समझी, इसलिए मैंने कॉन्टेक्स्ट के लिए स्टार्ट किया था ये बात, कि बिजनेस साइकिल फंड जो है ये काम आसान कर देता है इन्वेस्टर्स के लिए ऑन बोथ द फ्रंट्स. एक, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि आप इकोनॉमी के किस साइकिल में है और कौन से स्टेप्स जो अगर आरबीआई ले रहा है या गवर्नमेंट ले रही है या इंटरनेशनली फेड ले रहा है, तो उसका असर क्या पड़ेगा हमारे इकोनॉमिक साइकिल पे, और हमको उस हिसाब से कौन से सेक्टर में होना चाहिए, कब किसी से एग्जिट करना चाहिए, ये सारा जो डिसीजन है ये सारा कुछ फंड ही कर लेगा, और वो भी टैक्स एफिशिएंट मैनर. तो इस थॉट के साथ में हमने बिजनेस साइकिल फंड लॉन्च करने का सोचा और हमने फाइल किया है. एंड ये जो स्ट्रेटजी है ये सक्सेस देती है अगर हमारा सेक्टर कॉल सही हो, और सेक्टर कॉल सही होना चाहिए अगर हमारा इकोनॉमिक साइकिल का आइडेंटिफिकेशन सही होता है, और साथ साथ में जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं उसका एक जजमेंट हमारा सही होना चाहिए.
तो ये जो स्किल्स है ये एक फंड मैनेजर, एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर लेकर आ जाता है इस फंड में, और इसी बेसिस में हम करते हैं। अब आपको जो बिजनेस साइकिल बेस्ड फंड के बारे में बताते हैं, व्हाट ऑफ द बिजनेस साइकिल थिंग। तो ये जो व्हाट ऑफ द बिजनेस साइकिल फंड है, जैसे कि अब हम देख रहे हैं यहाँ पर एक साइकिल आपको नजर आ रहा होगा, मैं थोड़ा ये साइड में कर लूँ तो होगा, या तो ये जो साइकिल नजर आ रहा है आपको, देखो एक्सपांशन, स्लो डाउन, रिसेशन, और एंड सिर्फ मार्केट में नहीं, मैं अगर शुरू करूँ तो साइकिल हमको बहुत सारी जगहों पे नजर आती है। एंड अनसाइक्लिकल पैटर्न्स, एक काफी मतलब नेचुरल तरीके से ऑकर करने वाला एक फिनोमिना है। अगर आप देखें तो चाहे वो मौसम से रिलेटेड हो, दिन, मौसम, और आप कहें तो इवन लाइक नो लाइफ में भी कई बार साइकिल्स चलती हैं, गुड टाइम्स बैड टाइम्स का साइकिल चलता है। सो देयर आर साइकिल्स एवरीवेयर, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी सी इट। एंड द सेम थिंग ये जो है ये हम मार्केट्स में भी देखते हैं, मार्केट्स में भी साइकिल्स होती हैं, जहाँ मार्केट परफॉर्म करती है, अंडर परफॉर्म करती है। सेम चीज बिजनेस में होता है, कभी फायदे का टाइम चलता है, कभी नुकसान का टाइम भी चलता है कभी। एंड कभी सेम चीज इकोनॉमी में भी होती है, कभी GDP 8% 9% ग्रो करने लग जाती है, तो कभी 3% पे आ जाती है। तो ये जो है, और -7 पे भी कभी कभी पहुंच जाती है बिकॉज ऑफ सम एक्सेप्शनल केसेस में भी। तो ये जो है ये सारी चीजें साइक्लिकल हैं, पर हर साइकिल अब का जो फेज है वो दूसरे फेज से लिंक्ड है। यानी कि एक साइकिल में जो चीज होती है वो एक्चुअली दूसरे फेज के लिए लिंकेज बनती है। यानी कि जैसे अगर एग्जांपल दें हम, और ये पूरा का पूरा सार है, समझ लीजिए कि ये समरी एक तरह का है जो मैं आपको बिजनेस साइकिल के बारे में बताऊंगा। एक एक्सपांशन फेज को ले लेते हैं। चलिए एक्सपांशन फेज क्या है? एक्सपांशन फेज वो है जहाँ पर सब कुछ अच्छा चल रहा है, कंपनीज को प्रॉफिट्स बहुत हो रहे हैं। तो जब कंपनीज को प्रॉफिट बहुत होती है तो वो एक्सपांड करती हैं, वो यानी कि उनकी प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही है। तो प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती है तो वो नई फैक्ट्री लगाना चाहेंगे, नई नौकरियां बनती हैं, एग्जिस्टिंग नौकरियों की सैलरीज बढ़ जाती हैं काफी। तो सैलरीज बढ़ती है और प्रॉफिट बढ़ता है, फिर अगर हमारी भी सैलरी बढ़ जाए तो हम क्या करेंगे, हम खर्चा भी अपना बढ़ा लेते हैं, एक तरह से हमारा भी एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। जिनके पास एक घर है वो दूसरा घर देखता है, जो होटल पे रहा है उसके लिए घर ओन करने देखता है, जिनके पास बाइक वो कार करना चाहता है, और जिसके पास कुछ भी नहीं है वो बाइक लेना चाहता है। तो ये जो है ये साइकिल में एक्सपेंडिचर्स बढ़ते हैं एंड लोगों के पास में पैसा बढ़ता है। और जब लोगों के पास में पैसा बढ़ता है तो प्राइस जो होता है ना वो सेंसिटिविटी कम हो जाती है। कोई कोई किसी किसी को वो जो भाव है वो बहुत ज्यादा लगता नहीं है, प्राइसी लगता नहीं है, क्योंकि इनकम बढ़ गई है। तो वहाँ जहाँ एक तरफ से देखा जाए तो हम जैसे डिनर के लिए जाते थे तो जहाँ 1,000 रुपया खर्च होता था 3 मेंबर की फैमिली के लिए, वहां पर अगर 1,500 आ जाता है तो भी हमारी सैलरी क्योंकि बढ़ गई है तो हमको वो पिंच नहीं करता, हमको लगता है चलेगा, इट्स ओके, हमारी भी सैलरी बढ़ी है। तो यू गेट अ फीलिंग दैट वे। लेकिन इन सब के वजह से जब आप एक्सपेंडिचर ज्यादा करते हैं और ये जो प्राइस बढ़ रही है, तो ये जो प्राइस बढ़ती है उसका सीधा इम्पैक्ट किस पे पड़ता है, वो इन्फ्लेशन पे पड़ता है। और जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो एक सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी है जो लोअर स्टैटस ऑफ द सोसाइटी है, उनके लिए बहुत पिंचिंग हो जाता है, उनके लिए बड़ी तकलीफ वाली बात हो जाती है। और ये वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव हो जाता है सेंट्रल बैंक के लिए कि इन्फ्लेशन इस लेवल पे रहे कि वो लोगों को पिंच ना करे, स्पेशली जो लोअर स्टैटस ऑफ द सोसाइटी है। हायर स्टैटस ऑफ द सोसाइटी में थोड़ा सा कम पिंच होता है, बट पिंच होता है। मिडिल क्लास वाले को भी ज्यादा पिंच होता है बिकॉज काफी चीजें सेंसिटिव होती हैं, हमारा बजट पूरा हिल जाता है अगर इन्फ्लेशन की वजह से कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो अब ये एक्सपांशन फेज में इन्फ्लेशन बढ़ गया, बहुत पैसा है पर भाव भी बढ़ गया है। तो ये जो इन्फ्लेशन बढ़ गया है तो इसको कंट्रोल में लाना जरूरी है। RBI क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा तो क्या हो जाता है कि जैसे हम होम लोन ले रहे हैं वो बढ़ जाता है, या हमको कार लोन लेना है, कार परचेज करना है, तो कार लोन की रेट भी बढ़ जाती है। तो कई लोग क्या हो जाता है फिर जो कंपनीज ने जो बोरो किया हुआ है डेट उसके ऊपर भी कॉस्ट बढ़ जाता है, तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है। अब उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है, वो भी सैलरी कम बढ़ाते हैं क्योंकि प्रॉफिट कम हुआ है, सैलरी कम बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, हम भी अपना खर्चा को थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते हैं। तो हम अपना खर्चा कंट्रोल करते हैं तो उनकी भी कम हो जाती है, जहाँ वो 1 मिलियन यूनिट्स बेचते थे वो फिर 70 लाख यूनिट्स बेचेंगे, तो ऐसा हो जाता है, जो 7 लाख यूनिट्स बेचेंगे ऐसा हो जाता है। तो ये जो है प्रॉफिटेबिलिटी
प्रोडक्शन वॉल्यूम भी कम हो जाता है, सेल्स कम हो जाता है, तो ये स्लो डाउन का इंडिकेशन हो जाता है। प्रॉफिट्स गिर रही हैं और लोग अपना खर्चा कंट्रोल कर रहे हैं और इंटरेस्ट रेट्स फिलहाल थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, तो ये जो है ये स्लो डाउन पे आ जाएगा। जब स्लो डाउन आ जाता है तो आरबीआई देखता है कि अरे इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गया है, अब मुझे इकोनॉमी को पुश करना पड़ेगा, क्योंकि वो स्लो हो गया है सारा, सब लोग अपना खर्चा कंट्रोल में कर रहे हैं, कॉर्पोरेट रिकवरी नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं बनेगा, तो देश में हालात बिगड़ जाएंगे करके। तो वो क्या करेगा, फिर वो इंटरेस्ट रेट्स कम कर देता है, तो कॉर्पोरेट्स को कॉस्ट ऑफ बोरिंग उनकी कम हो जाती है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है और बैंक से बोरोइंग कॉस्ट बढ़ जाती कम हो जाती है, तो हम भी सोचते हैं कि चलो बैंक का इंटरेस्ट रेट कम हो गया है तो हमारा ईएमआई कम हो जाएगा, चलो वो लोन ले लेते हैं, कार ले लेते हैं, वो घर ले लेते हैं, तो हम भी खर्चा करते हैं, एसी या फिर फ्रिज, वो जो इंस्टॉलमेंट्स में बाई करते हैं, दे स्टार्ट बाइंग ऑन दैट ऑल्सो, लोन आजकल हर चीज पे मिल जाता है, तो वी स्टार्ट गेटिंग लोन एंड कंज्यूमिंग दोज लोन्स एंड ऑल दोज। तो फिर वो रिसेशन फेज में जो पहुंचा है स्लो डाउन से जो नेगेटिव में, वो स्टार्ट हो जाता है पिकअप करना, वो हम रिकवरी फेज में चले जाते हैं। फिर रिकवरी में जब अच्छी खासी ग्रोथ हो जाती है, फिर लोगों के पास में पैसा और बढ़ने लगता है, थोड़ी सेविंग्स की तो ज्यादा बढ़ने लगता है, तब फिर वो हम खर्चा स्टार्ट करते हैं, फिर वापस हम एक्सपेंशन फेज में होते हैं। तो ये जो है ये साइकिल चलता रहता है, ये ह्यूमन बिहेवियर से लिंक्ड है, ये इकोनॉमिक साइकिल आप अब मैं अवॉइड नहीं कर सकते। तो ये जो साइकिल है ये हम अवॉइड नहीं कर सकते, ये चलता रहता है। तो ये जो साइकिल अगर ये चलता रहता है और ये इट्स अ कांस्टेंट फिनोमिना, ये मार्केट में होता, तो इसके बेसिस में हम हर एक सेक्टर जो है उसका कोई लिंकेज है क्या इस इन फेजेस से, वो हम चेक कर सकते हैं। सिंपल सा एक चीज उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि अगर एक्सपेंशन फेज है, लोग खर्चा करते हैं तो किस में खर्चा करेंगे, क्या आप पहले जो हाफ प्लेट राइस खाते थे तो क्या आप फुल प्लेट राइस खाएंगे या फिर आप दो प्लेट राइस खाएंगे क्योंकि सैलरी बढ़ गई है? मुश्किल है, क्योंकि कंजम्पशन कोई चीजों की एक सीमित तौर पर बढ़ सकती है, लेकिन क्या होगा, हाँ आप किन चीजों की कंजम्पशन शायद बढ़ा देंगे, आप प्रीमियमाइजेशन में जाएंगे, यानी कि आप अगर परफ्यूम यूज करते हैं, जो डीओ यूज करते हैं, जो थोड़ा सा शायद वो 200 के रेंज में था, वो आप 350 के रेंज में भी जा सकते हैं, आप अपना प्रीमियमाइजेशन करते हैं। लोग अपने जैसे कपड़े होते हैं तो कपड़ों का एक पर्टिकुलर ब्रांड है, एक लेवल पे है, हम उसको अपग्रेड कर देते हैं, हम थोड़े से महंगे कपड़े लेने शुरू कर देते हैं, तो एक वो होता है, हम कपड़े ज्यादा भी लेने चालू कर देते हैं, तो ये क्वांटिटी बढ़ती है। लेकिन कुछ चीजें हैं जिनका क्वांटिटी नहीं बढ़ता है, जैसे कि आप टूथपेस्ट उतना ही यूज करेंगे जितना है, आपकी सैलरी बढ़ गई तो आप दिन में 4 बार ब्रश नहीं करते हैं, या फिर आप जो बीमार पड़ेंगे तो आप जाकर दवाइयां लेंगे, ऐसा नहीं कि आप बीमार पड़ गए हैं तो दवाइयां आप ट्रिपल लेंगे, उतना ही लेंगे जितना का आपको रिकमेंडेड है। तो कुछ चीजें हैं जो बढ़ेंगी, कुछ चीजें हैं जो वैसे की वैसी रहेंगी, जैसे फार्मा और एफएमसीजी जो है एक्सपांशन मोड में भी उनकी कोई प्रॉफिट बहुत नहीं बढ़ती है, लेकिन दूसरे जो सेक्टर्स हैं जैसे ऑटो हैं, लोग गाड़ियां खरीदते हैं, जिनके पास एक था वो दो ले लेते हैं, जिनके पास में एक मिड सेडान थी वो अपग्रेड करके एसयूवी चला जाता है, तो ये जो है ये सेगमेंट बढ़ जाता है, जैसे ऑटो सेगमेंट है, या कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, हमारे पहले एक रूम में एसी हुआ करता था, फिर हम दो रूम में एसी कर लेते हैं, हॉल में भी कोई कोई ट्राई कर लेता है, या फिर कुछ और अपग्रेडेशन कर देता है घर में और कुछ फर्निशिंग बढ़ा देते हैं, तो वी एक्सपेंड ऑन दोज थिंग्स, वी इंक्रीज दोज थिंग्स, बट वी डोंट इंक्रीज अवर फार्मा, हम अपनी दवाइयों को नहीं बढ़ा देते हैं, हम अपने खाने को नहीं बढ़ा देते हैं, या हम अपना जो बेसिक जो कंजम्पशन है रूटीन डे रूटीन का, जो हम तेल लगाते हैं अपने सर पे या फिर अपना टूथपेस्ट या अपना जो ब्रश है, तो वो वैसे के वैसे ही रह जाती हैं। तो वो सेगमेंट जो है वो सेक्टर में ग्रोथ उतनी नहीं दिखती एक्सपेंशन में जितनी की किसी और सेगमेंट में, जो कि कंजम्पशन है ओरिएंटेड, और या फिर आप कहें तो बैंक्स है जो लोन लेती हैं वो सब। सो दिस इज द सेगमेंट बेसिकली वी ट्राइंग टू अवॉइड व्हिच डज नॉट मूव मच, लेकिन जो जो सेगमेंट है जो उसके लिंक बहुत अच्छी है उसको हम फिर बढ़ा देते हैं। तो ये जो सेक्टर बेस रोटेशन स्ट्रेटजी बेसिस द इकोनॉमिक फेज है, दिस इज द एंटायर थिंग अबाउट बिजनेस साइकिल बेस्ड इन्वेस्टिंग। सो आई एम नॉट गोइंग टू मच इनटू द डिटेल्स ऑफ द प्रेजेंटेशन, इट इज ऑलरेडी देयर विद यू, लॉट ऑफ थिंग्स हैव बीन एक्सप्लेन्ड ओवर हियर, लेकिन मैं आपको कुछ क्रिटिकल चीजों पर बताता हूँ कि क्यों फंड के रूप में बिजनेस साइकिल फंड As for the investor, it is useful and it is important. एक हम कैसे identify करेंगे एक phase में कि हम slowdown में हैं, कि हम recovery में हैं, कि हम recession में हैं? तो उसका एक कोई framework होना चाहिए। तो ये जो हमारा framework है,
ये फ्रेमवर्क हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर फेज। इस पर हम मैक्रो कंडीशन यानी कि इकोनॉमी लेवल पे क्या चीज हो रही है उसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस अपने आंसर करते हैं। बिजनेस कंडीशंस लेवल पे कॉर्पोरेट्स की क्या हालत है, उनकी क्या कंडीशंस चल रही हैं, उनकी कॉस्ट क्या है, उनके केपेक्स क्या बढ़ रही है, उनकी क्रेडिट फ्लो क्या है, ये सारी चीजें क्वेश्चंस का आंसर मिलता है हमको। और मार्केट लेवल पे क्या मार्केट में ओवर ये है, यूफोरिया है या फिर और कुछ है। तो ये जो है ये फ्रेमवर्क जो है ये बहुत क्रिटिकल होता है टू आइडेंटिफाई फ्रेमवर्क। आपने अगर एक भी साइकिल का फेज गलत आइडेंटिफाई कर लिया या आप मूव करने में सेक्टर रोटेशन करने में स्लो हो गए या मिस कर दिया तो आपका नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए ये क्रिटिकल हो जाता है कि बिजनेस साइकिल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करने से आपको ये फायदा हो जाता है कि देयर इज अ प्रोफेशनल फंड मैनेजर एंड हु इज मैनेजिंग ऑल दिस थिंग्स। सेकेंडली आज की तारीख में और कंपेयर टू 30-40 साल पहले की जो केसेस में थे, तो जब भी इकोनॉमी में चेंज आती थी ना तो सेंट्रल बैंक्स और गवर्नमेंट के पास में लिमिटेड रिसोर्सेज होती थी, वो कुछ ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचते थे, वो बहुत स्लो भी हुआ करते थे रिएक्ट करने में और काफी सिमिलर काइंड ऑफ एक्टिविटीज होती थी उनकी। थोड़ा बहुत गवर्नमेंट फिस्कली कुछ लूज कर लेते थे और मॉनेटरी पॉलिसी में वही थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट गिरा देते थे। बट टुडे द सेंट्रल बैंक्स एंड द गवर्नमेंट्स हैव बीन एक्सट्रीमली एक्टिव। इससे पहले कि स्लो डाउन रिसेशन तक चला जाए वो स्लो डाउन में ही इतना पुश कर देते हैं लिक्विडिटी और इंसेंटिवाइजेशन इतना पुश कर देते हैं कि रिसेशन तक इकोनॉमी जाए ही मत और रिसेशन स्किप करके सीधे वो रिकवरी फेज में जाते हुए फिर एक्सपांशन में चला जाए। तो काफी जैसे इवेंट्स हैं आज की तारीख में जो इनोवेटिव हुए हैं। नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स कभी हमने सोचे नहीं थे बट सेंट्रल बैंक्स हैव अलाउड नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स दीस डेज। तो बहुत सारी चीजें हैं, क्वांटिटेटिव ईजिंग हमने पहले नहीं सुना था कभी, लेकिन 2008-09 में पहली बार क्वांटिटेटिव ईजिंग था, टेपरिंग भी सुना है, फिर बाइंग ऑफ सेंट्रल बैंक्स ने ETF इक्विटी मार्केट्स में भी इन्वेस्ट करना शुरू किया, ये भी हमने देखा। तो बहुत सारा चीज इनोवेटिव किया जा रहा है। तो आज की तारीख में सिर्फ इकोनॉमिक फेज को आइडेंटिफाई करना ही क्रिटिकल नहीं हो गया है, ये भी इम्पोर्टेंट हो गया है कि कौन से इवेंट के वजह से वो जो फेज है वो कितना लंबा चल सकता है या कितना छोटा होगा। तो एक तरह से अनप्रेडिक्टेबिलिटी आ गई है। सो दैट इज द की रीजन दैट इट शुड बी वन शुड बी फॉलोइंग द one should be following the a business cycle approach. So it is becoming shorter and harder to predict business cycles, and hence it is better that investors invest in business cycle fund. और ये आपके पास मैं एक example देता हूँ। Historically भी आप देखें तो business phase wise आप देखें तो sectors ऐसे हैं जो clearly बताते हैं कि हमको कौन से sector में होना चाहिए, कौन से sector में avoid करना चाहिए। जैसे अगर 2008-09 का पीरियड था जो बुल रन काफी हाइट पे पहुंच के उसके बाद में एक क्रैश आया था ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में, तो आप ऑटो को छोड़ दीजिए, जरा सा उसमें लैग इफेक्ट था, बट उसके अलावा आईटी और फार्मा अच्छा किया है। लेकिन कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी जो मैं कंजम्पशन की बात कर रहा था जो एक्सपांशन में बहुत अच्छा करते हैं वो यहाँ अंडर परफॉर्म किया है मार्केट में। रियलिटी लोग घर खरीदना, जब नौकरियों की हालत खराब थी, नौकरियों का सिक्योरिटी नहीं था, तो लोगों ने अपना हाउस परचेज का ड्रीम भी सब साइड में रखा हुआ था एंड रियलिटी टुक अ बिग हिट। द सेम थिंग अगर मैं आपको एक्सपांशन फेज में दिखाता हूँ 2013-17 में, तो आप कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी को देखिए, वहां पर आप कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी टॉप पर है, ऑटो टॉप पर है, फाइनेंशियल सर्विसेज टॉप पर है। एक्सपांशन फेज में ये सेक्टर्स परफॉर्म करती है, लेकिन सेम चीज अगर आप देखें यूटिलिटीज, मेटल, रियलिटी, इन्होंने परफॉर्म नहीं किया। रियलिटी फॉर अ रीजन बट रियलिटी शुड हैव बीन अप, बट रियलिटी परफॉर्म करते हैं। बट सेम चीज वापस स्लो डाउन में जब आ गए हम 2018-19 में, जब हमने क्वार्टरली जीडीपी ग्रोथ हर क्वार्टर गिरते हुए देखा है, तब वापस हम देख रहे हैं कि एफएमसीजी आईटी बैक आ गया और ऑटो मेटल इंडस्ट्रियल्स परफॉर्म नहीं कर रहे क्योंकि स्लो डाउन आ चुका था। तो ये जो है ये सेक्टोरल बेसिस में जो हम देखते हैं ये एम्पेरिकली प्रूवन है। ऑल द साइकल्स हैव सम ऑफ द अदर इम्पैक्ट ऑन द सेक्टर एंड एवरी सेक्टर has its correlation respective phase of the economy. So this is why I would say this is the why of the business cycle fund. So where are we now? We are currently at a phase where the problematic phase is behind us, pandemic is behind us, the cleaning up of the debt. Agar aap dekhe jo debt jo pehle bahut bada issue tha corporate balance sheet ka,
वो आज काफी कम हो गया है. पीपल हैव रिड्यूस्ड देयर डेट्स बाय ह्यूज मार्जिन. सो दैट इज समथिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट. पैंडेमिक के बाद पूरा जो शटडाउन हो गया था इकोनॉमी, उसके बाद में आज वेज ग्रोथ दिखाई दे रही है, कंजम्पशन बढ़ते हुए दिख रहा है, और बैंक्स का जो एनपीए इशू जो पिछले 2.5 साल से परेशान कर रहा था वो आज कंट्रोल में है. इवन पैंडेमिक के आने के बावजूद भी अब कंट्रोल में आ चुका है. इतना हमने एनपीए नहीं देखा है जितना है. तो आज की तारीख में हम एक रिकवरी फेज में है. इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हम एक्सपांशन में चले जाएंगे. तो एक्सपांशन में हमारा सेक्टोरल एलोकेशन चेंज हो जाएगा. आज रिकवरी में हमारा सेक्टोरल एलोकेशन चेंज हो जाता है. तो दिस इज व्हाट द होल अप्रोच इज एंड इट द होल आई वुड से प्रीमाइस ऑफ बिजनेस साइकिल फंड जो है उसका रिटर्न जनरेशन जो है वो सेक्टर रोटेशन से आएगा. प्रीडोमिनेटली सेक्टर रोटेशन से उसके रिटर्न जनरेट होते हैं. बेसिस द इकोनॉमिक साइकिल इन विच वी आर इन द फेज इन विच वी आर. और ये फंड जो है बिजनेस साइकिल फंड जो हमारा है वो एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन में एक अलग तरह का स्ट्रेटेजी रन करेगा. एक्सपांशन फेज में हम सेक्टर लीडर्स जो हैं, जो सेक्टर परफॉर्मिंग सेक्टर है उनमें जो सेक्टर लीडर्स हैं या फिर वो कंपनीज जिनकी प्रॉफिट जो ग्रोथ है वो डिस्प्रोपोर्शनेटली ज्यादा होगी उस फेज में, वो कंपनीज जिनके सेक्टोरल टेलविंड्स ज्यादा हैं वो कंपनीज में हम इन्वेस्ट करेंगे. सेकेंड, अगर कॉन्ट्रैक्शन या स्लोडाउन आता है तब हम थोड़ा सा एक्सपांशन ये जो डाइवर्सिफिकेशन है वो हम ज्यादा बढ़ाएंगे और पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखेंगे ताकि डाउनसाइड प्रोटेक्शन रहे, और उन सेक्टर्स में ही इन्वेस्ट करेंगे जो कि बेसिकली कुशन प्रोवाइड करते हैं डाउन साइकिल्स में, लाइक फार्मा, FMCG, यूटिलिटीज. ये वो सेगमेंट्स है जिनका डाउनसाइड थोड़ा लिमिटेड होता है स्लोडाउन में, लेकिन एक्सपांशन फेज में इनका अपसाइड भी लिमिटेड होता है. हम अपसाइड में ऑटो, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, बैंक्स, इनमें ज्यादा मूव करेंगे जब एक्सपांशन फेज होगा तो. और पोर्टफोलियो साइज जो है वो हमारा एक हम 40-50 स्टॉक्स के लिए ट्राई करेंगे. और जनरली और ये भी डिपेंड करेगा, अगर हम स्लोडाउन में है तो हम ज्यादा डाइवर्सिफाई करेंगे, और अगर एक्सपांशन में है तो हम थोड़ा सा एग्रेसिव कॉल लेकर थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स भी लेंगे. सेक्टर एलोकेशन भी डिपेंड करेगा, जब हम बहुत ज्यादा साइकिल जो है वो चेंज होता रहेगा तो फिर वो एग्रेसिव कॉल लेते रहेंगे, हम चेंज करते रहेंगे, सेक्टर एलोकेशन डिफर करते रहेगा. और हमारा जो कॉल है सेक्टर बेसिस में वो थोड़ा एग्रेसिव रहेगा एज कम्पेयर टू अ डाइवर्सिफाइड फंड. चर्न जो है हमारा वो चेंज जो होगा इकोनॉमिक साइकिल में और जितना कितना फास्ट होता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा. मार्केट कैप एलोकेशन के बेसिस में देखा जाए तो बिजनेस साइकिल फंड में हमारे पास एक एडवांटेज ये है कि हमारे पास कोई मार्केट कैप की लिमिटेशन नहीं है. सो दिस इज ऑल अबाउट द बिजनेस साइकिल फंड दैट आई वुड लाइक टू शेयर. पर अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे बिल्कुल खुशी होगी हर सवाल में. इफ आई कैन गिव यू सम आंसर्स ऑन इट एंड इफ इन केस आई एम नॉट आई विल श्योरली फॉलो इट बैक ऑफ इट. सो आई ओपन द फ्लोर फॉर Q&A नाउ. You can put your questions in the chat box or else you can just unmute yourself and ask. Any questions? Hello. Hello. Yeah, Vinod from Asisi Mehta here. Yeah, मुझे ये पूछना था जब after NFO हम जब invest करेंगे market में तो हम maximum sector किस sector में invest करेंगे in equity? जी, तो इसका एक हमने एक slide भी present किया है. We try to explain that also. जिसमें हमने कहा है कि जो currently हम recovery में हैं तो हमारा जो ज्यादा फोकस जो है फाइनेंशियल्स अभी सॉरी जो ऑटो सेगमेंट है, मेटल्स, माइनिंग्स और लार्ज फाइनेंशियल्स और आईटी में फिलहाल हमारा फोकस रहेगा. ये जो है रिकवरी प्ले खेलने में ज्यादा बेटर रहते हैं ये सेक्टर्स.
जैसे ही हम एक्सपांशन मोड में या इससे आगे पहुंचेंगे, जैसे अगर मान लीजिए कि आगे चलकर हमारा जो ये थर्ड वेव का चिंता जो है अभी फिलहाल अगर नहीं होता, उतना सीवियर केस नहीं होता, एंड वी थैंकफुली पास दिस अप विदाउट मच लॉस, देन इन दैट केस आप एक एक्सपांशन फेज देखेंगे करीबन एक साल में, और उस एक साल वहां उस पीरियड में देन वी विल हैव अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल्स, एनबीएफसीज भी, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, कैप गुड्स और इंडस्ट्रियल्स, एंड रियल एस्टेट भी हम पिक करेंगे. हाल फिलहाल में आपने देखा होगा थोड़ा सा रियल एस्टेट में भी ये आया है, पिकअप आया है. लॉट ऑफ लार्ज रियल एस्टेट बिल्डर्स हैव बीन एबल टू इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ द देयर प्रॉपर्टीज, सो दैट इज ऑल्सो समथिंग विच इज अ पॉजिटिव साइन. सो सूनर वी एज द इकोनॉमी पिक्स अप और एक्सपेंशन फेज में जाएंगे तो हम रियल एस्टेट में भी चले जाएंगे थोड़ा सा. Great. खास बात ये रहेगी बस कि थोड़ा सा एग्रेसिव कॉल्स रहेगा, यानी कि सेक्टर्स जो हैं उनकी कॉल्स जो है थोड़ी सी एग्रेसिव रहेगी, एंड यही डिफरेंस रहेगा नॉर्मल डाइवर्सिफाइड फंड से, क्योंकि नॉर्मल डाइवर्सिफाइड फंड जो है, और ये क्वेश्चन शायद कई बार आता भी है कि बिजनेस साइकिल फंड वर्सेस डाइवर्सिफाइड फंड, तो ऐसे बिजनेस साइकिल फंड भी डाइवर्सिफाइड फंड है, लेकिन सेक्टर एलोकेशन जो है ना वो थोड़ा सा एग्रेसिव होता है एज कम्पेयर टू द फ्लेक्सी कैप. फ्लेक्सी कैप जो है वो 5-10% ऊपर नीचे जो है बेंचमार्क से ओवरवेट अंडरवेट करके वो अल्फा जनरेशन ट्राई करता है, एंड अ लार्ज पार्ट ऑफ द अल्फा कम्स फ्रॉम स्टॉक सिलेक्शन. लेकिन बिजनेस साइकिल का जो एग्रेसिव बेटिंग स्ट्रेटेजी होता है, तो इसमें जो हम ऐसा है कि जैसे मान लीजिए अगर स्लो डाउन है या रिसेशन चल रहा है, इस वक्त में तो बैंकिंग और फाइनेंशियल लेना बिल्कुल ही बनता नहीं है, तो हमारा सीधा वो जैसे अगर बेंचमार्क में 40% फाइनेंशियल है, सीधा 5-10% फाइनेंशियल में आ जाएंगे, हमको लेना ही नहीं है फाइनेंशियल, क्योंकि वो जब चलेगा ही नहीं उस सेशन उस फेज में तो हम क्यों लेने. डाइवर्सिफाइड फंड क्या करेगा, वो रिड्यूस कर देगा, लेकिन वो 40 की जगह पे 25% लगा लेगा, 15% का अंडर वेटेज कर लेगा, वो उसी तरह से बचाता बस. लेकिन बिजनेस साइकिल जो है वो एग्रेसिव कॉल लेता है. थैंक यू. हेलो हेलो हेलो, वेरी गुड इवनिंग सर. संदीप या कम आशीष में था. हेलो, कैन यू हियर मी सर? बोलिए. ओके, यस, इन फाइनेंशियल इंक्लूड द एनबीएससी, द बैंकिंग सेक्टर इज आल्सो इन्वॉल्व इन दैट? या ऑफ कोर्स, बैंकिंग सेक्टर, एंड दैट्स द रीजन व्हाई इफ यू सी द अदर पार्ट व्हिच मेंशंस अबाउट फाइनेंशियल्स इंक्लूडिंग एनबीएससीज देन. ओके, इंक्लूडिंग. Okay, and what's the exit load and what's the expense ratio? Exit load will be 1 year. Exit load is 1 year, but we have the provision of up to 12% of the original investment, which can be withdrawn without paying any exit load. And expense ratio, it will be dependent upon what will be the mobilization, because a lot depends upon the slab in which the fund may fall, and accordingly, and okay, second, the costing that will be arrived at. Okay, that I can understand, you because you are movement of the sectoral fund. That means the expense ratio might be versatile, right? Sorry, I couldn't. Your sector change ho raha hai, uske wajah se expense ratio kam jyada bhi ho sakta hai, as you mean, right? Yeah. But that is lesser, but more important is that in which AUM slab also the fund falls into. Agar ye 500 crore ke andar hai ya 1000 crore hai, 2000 करोड़ 3000 करोड़, तो जैसे जैसे फंड का साइज बढ़ता है, एक्सपेंस रेशियो की लिमिट भी सेबी की तरफ से कम हो जाता है. सो दैट्स आल्सो एन इंडेक्स. ओके, एसआईपी अवेलेबल है इस पर्टिकुलर फंड? या ऑफ कोर्स, एसआईपी इज अवेलेबल. हाउ मच मिनिमम अमाउंट? यू कैन डू एज लो एज 150 आल्सो फॉर 12 इंस्टॉलमेंट्स. 150, ओके, फाइन, थैंक यू सर.
Any further questions? You can also put your questions in the chat box. I think there is one. Oh, no further questions. In case you find that you have any other questions, you can definitely approach our relationship managers also. And also, I'm also available for any questions. So, आपको जब भी लगता है, please feel free, आप हमें contact कर सकते हैं. Very happy to take this opportunity. Today, you have given us an opportunity to reach out and present our NFO. So, we're very thankful and very, very, very much eager to look forward. Rather, we look forward to your active participation in this NFO. Thank you from my side. Bye.